गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज बहुत अच्छा सनी संडे है। मैंने मेरी एडिटिंग का काम ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। उसको देखने वाली हूँ मैं। रेडी हो चुकी हूँ आज के दिन के लिए। आज हमारा प्लान है कि पार्क में जाके वॉक करें। कल हम पार्क में गए थे, मज़ा आया, पर जो हम ट्रेल्स पे हाइक करे थे ना, उसकी जो फीलिंग है वो बहुत मज़ेदार है। हेल्प करती है मुझे मेरे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा थॉट्स रहते हैं। आपको पता ही होगा कि हम वर्गोस के पास बहुत ज़्यादा थॉट्स रहते हैं। सो वो कोशिश करूँगी। समय ऑलरेडी 2 बज रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं कुछ खाने का भी बंदोबस्त करूँगी, सिर्फ एक चाय का कप पिया है। पर पहले मैं देखती हूँ कि अपलोड क्यों नहीं हो रही है वीडियो। क्यों देन उससे वर्क करेंगे, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी। आज मैंने कुछ भी खाया नहीं है सुबह से, और चिकन बिरयानी ही हमारा मील होने का। एंड हिम्मत को बिरयानी बहुत पसंद है, और हिम्मत की खुशी के लिए बना रही हूँ मैं। सामान मैंने प्रेशर कुकर रख दिया वहाँ पे, मैंने अनियन ही डलेंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। चिकन बिरयानी की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे कुकिंग चैनल पे है। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेगी। हमें ये जो हमारे पास एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, हैदराबादी स्टाइल बनती है वो। पर जब से मैंने बिरयानी बनाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि हम उस बिरयानी को इतना मिस नहीं करते। सो आप समझ लीजिए कि अच्छी बिरयानी है, क्विक है एंड ईजी है। आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। यस, कुकिंग को जारी रखते हैं। एंड मेरे सर में बुरी तरह पेन हो रही है, लाइक हाफ सर में। आज एक्चुअली मैं सुबह उठी हूँ अद्धे सर के दर्द के साथ, लाइक माइग्रेन जैसी, जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। अब मैं देख रही हूँ कोई रैंडम पुरानी मूवी एंड कुक कर ली, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी। Pick one. Not both, only one. Mama, look at that. There's 2 of them. One is sticking there. You want chocolate or candy? I want chocolate. Too delicious. Please, छुपते छुपाते जा रहा था। वो कह रहा था कि मैं कैमरे को दिखाना नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे हूँ। आई डोंट नो, आज उसका कुछ बोलने के लिए मन नहीं है। मैंने कहा कि कुछ भी बोल सकते हो तुम, पर उसने कहा कि नहीं। गाइस, हस्बैंड की कोटी से मेरी ड्रेस ही बन जाती है, पर इसका कलर कितना अच्छा है। नहीं, पजामा एंड शूज ये हस्बैंड ने लेके दिया था मुझे, आई डोंट नो। ओके, एक और बात बताना चाहूंगी मैं, ये कुछ कहना ही। ओके, हाँ, मैंने आपने कोई पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने मेरे बालों को कट किया है, और मैंने मज़ा नहीं आता। मुझे ना लेंथ चाहिए थी, पर बालों को काटने से बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं, क्योंकि गंदे गंदे तो ही कट देते हैं। ये चीज़ मैंने चंगी लग रही है, पर लेंथ नू मिस कर दी भी है मैं। पर फिर मैं दिल को हौसला देती हूँ मैं कि लेंथ को क्या करना जब चंगा ही नहीं है, है ना? या है ना, लेंथ नू की करना, गंदी लेंथ रखी रखो। और वैसे मुझे लगता है मैंने शूट नहीं किया उस दिन, मैंने मेरे बालों को ब्राउन कलर किया था, लाइक वॉलनट जैसा, एवं
टशन मारन ली। मुझे लगता नहीं था कि दिखेगा क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल काले हैं, पर यह फिर भी दिख ही रहा है। ओके, रैंडम टॉक डन, लेट्स गो। यार मैं टोपी नहीं पाना चाहती। हाय फ्रेंड्स, न्यू एंगल, न्यू मी, न्यू हेयर। ओके, नॉट सो एक्साइटिंग। आज मैंने नया व्लॉग अपलोड किया है, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने जान, इसीलिए व्लॉग कर रही हूँ मैं। ओ, किसी का मैसेज आया है, ये। ओ मैन, सो मेनी पिक्चर्स एंड सेंट। आज जो सारा दिन बहुत लेजी हो गया, पति के बिजी होने की वजह से उन्हें हम परेशान भी नहीं कर सकते थे, ऐसे ही सारा दिन लंघ गया। चलो गाइस चलिए। ओके, अर्लियर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। चिकन बिरयानी बना ली थी मैंने, कितना बजे की, अराउंड 3:30-4 मैंने चिकन बिरयानी खा ली थी। मुझे बिरयानी का चिकन अच्छा नहीं लगता है, राइस ही अच्छा लगता है। चिकन मैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट तंदूरी स्टाइल टिक्का खा सकती हूँ, या चिकन ब्रेस्ट और 2-4 तरीकों के साथ, पर मैं बहुत ज्यादा फजी हूँ कि मैं ऐदा नहीं चंगा लगता, ऐदा नहीं चंगा लगता, सो मैं सिर्फ राइस ही खाती हूँ। तो मैंने थोड़े राइस खा लिए सैलड के साथ, मेरा डिनर तो हो चुका है। और मेरी कोशिश होती है कि जब तक मैं सोऊं मेरा पेट चंगी तरह खाली हो जाए, ताकि मुझे नींद आती है अच्छी तरह। सो आज मेरा एक ही मील हुआ है, बिरयानी राइस खाए हैं मैंने, एंड आई एम डन। और अभी समय हुआ है 7:40 है, तो हस्बैंड एंड हिम्मत अपना डिनर कर लेंगे, मुझे डिनर बनाने की चिंता नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा घूम फिर के आनी है, थोड़ी वधिया एनर्जी आऊगी। आज मेरा मन था बाहर जाने के लिए, पर हस्बैंड बहुत बिजी थे, वो जा नहीं पाए। अब वो मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें कुछ खरीदना है? मैंने कहा खरीदना टाइम पास करने चली है मैं। तो कह रहे कि तू मोटे कपड़े पा के वॉक कर। मैं क्या वॉक करने लिए, मेरा मन नहीं करता क्योंकि ठंड होगी या विंडी या बाहर। मैं सोचा स्टोर के अंदर जाऊंगी, वैसे भी पता नहीं मेरा ना उस स्टोर में जाने के लिए मन कर रहा है, क्योंकि कितना समय हो गया उस स्टोर के अंदर गई नहीं हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जाके आती हूँ, चंगी कोई एनर्जी इकट्ठी करके ले आनी, चंगी माड़ी बाहर दी एनर्जी। Alright, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से चलते हैं अंदर एंड चेक करते हैं की यार थे। ओके, सो हम जा रहे हैं रियल कनेडियन सुपर स्टोर पे। क्या ये स्टोर बहुत खास है? नहीं। क्या खासियत है इस स्टोर में? कोई खास नहीं। ओ, मेरा मास्क रह गया। ऑलराइट दोस्तों, सुपर स्टोर के अंदर ना ये जो फ्रेश भी है, और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कभी कभी मिल जाता है। मी मीडिया सो मेनी चप्पल। राइट, सो बॉयज के कपड़े पे है अप टू 50%। ओ हाय, दिस इज मी। एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे मिला है, बट एक्टिव वेयर पे ऑफ है, देयर दे आर। और मेकअप या स्किन केयर पे स्पेंड करूंगी समय, थोड़ा लिया कुछ नहीं मैंने अभी तक, मैं सिर्फ चाय पत्ती ले लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे एल्फ एंड मिलानी के ज़्यादा बड़ी कलेक्शन है। एक और लिपस्टिक का शेड ट्राई किया मैंने, एसेंस का, पर नवरिया नहीं लगा मुझे, ज़्यादा पिंक। सो मेबलिन पे भी ऑफ चल रहा है, $4। यार एक फाउंडेशन कंसीलर है मेरा शेड, पर पीछे छुपा हुआ है, निकल नहीं रहा। ऑलराइट, तो मेरे पीछे है लॉरियल, पर लॉरियल में अभी भी वो फाउंडेशन सोल्ड आउट है। पता नहीं कब आएगा, जब आएगा भी पता नहीं मुझे मेरा रंग मिलेगा, कब मिलेगा, अब मैंने उसकी उम्मीद छोड़ दी है। वैसे यहाँ पे लॉरियल के फाउंडेशन पे भी सेल चल रही है। बाय। सो फार मैंने लिए हैं ये एयर टाइट डब्बे कुकीज के लिए, स्पेशल पे हैं। हिम्मत के लिए हेलमेट, क्योंकि पिछले साल हिम्मत को हेलमेट मिला ही नहीं, क्योंकि पिछले साल किसी भी स्टोर में स्टॉक में नहीं आया। मशरूम रैंडम। हिम्मत के लिए एक टम्बलर लिया है, और एक आलतू फालतू चीज़ें पानी के लिए पिद्दी ट्रे। तो एक्चुअली मैंने ग्लासेस लिए हैं क्योंकि मुझे इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच के आई थी कि कुछ नहीं लूंगी, तरा वैसे अच्छी डील्स है, डोंट वरी। बाय। सो हिम्मत के लिए एक दो चॉकलेट्स ले लेती हूँ मैं, उसने चॉकलेट एंड कैंडी कहा था। एक्चुअली उसने ये वाली कभी ट्राई नहीं किया, सो देखते हैं उसे कैसी लगती है। हेलो प्यारे दोस्तों, नीरा पै गया। एक्चुअली मेरा फ़ोन नहीं लेके गई अंदर, क्योंकि फ़ोन बंद सी, एंड आई डोंट नो अगर मैंने किसी ने कॉल की।
हस्बैंड डेड एक्चुअली। ऑलराइट दोस्तों, सो हस्बैंड ने मुझे पिक्चर सेंड की है अपनी बिरयानी की ब्रोकली के साथ कि हम लोग डिनर कर रहे हैं। दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैंने खा लिया है। आई नो, मेरा दिल कर रहा है दोबारा से खाने के लिए। बाल मेरे ऐसे ही इतने ऑयली है, टोपी पर आगे से पुराना ऑयल भी लग जाता है। अही रेड लाइट में क्रॉस कर लेंगे क्योंकि असी चला ओके चलाक नहीं, एक्चुअली रेड लाइट पे टर्न कर सकते हैं राइट। I'm making conversation. Sorry, but that's where it's gotta stay. Don't wait for me, ay, ay. Don't wait for me, ay, ay. I wouldn't catch you if you fell. I can't even catch myself. Don't wait for me, ay, ay, ay. You're the kind. चंगा भी दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ फार्मेसी अपनी प्रिस्क्रिप्शन को पिक करने के लिए। मुझे पक्का शॉर्ट नहीं है कि वो खुली होगी या नहीं। ऑलरेडी 9 बज रहे हैं। सो मैं उस स्टोर के अंदर गई थी 7:40, 8:41, मतलब एक घंटा लाया मैं। वही टाइम पास करते करते मुझे बहुत अच्छी डील्स मिल गई। एयर टाइट डब्बे चाहिए थे मुझे काफी समय से, एंड यहाँ पे सेल पे थे एंड क्यूट थे, और आप 6 से ज्यादा खरीद नहीं सकते थे, पर मैं 3 ही ले आया क्योंकि तीनों को ही यूज करने के बारे में सोच पाई। 4-6 होंगे वधिया ना, पर इट्स ओके। सो इसमें हम डाल सकते हैं मीमी का क्यूट पास्ता, और इसमें हम डाल सकते हैं कुकीज एंड मीमी के फेवरेट स्नैक्स। यार कुकीज ना जल्दी खराब हो जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एयर टाइट डब्बे में हो। सो या वो भी ले है, और उस ग्लासेस की शेप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास जो है उनकी वो अच्छे हैं, पर वो बहुत पतले हैं, लाइक ग्लास बहुत पतला एंड बहुत कमज़ोर किस्म के हैं, एंड मीमी ने 2 ऑलरेडी तोड़ भी दिए हैं। सो मैं सोचा ये ला लेनी है, पर मीमी के लिए मैंने एक वो टम्बलर भी लिया है प्लास्टिक का, क्योंकि मीमी के हाथों ना कांच के ग्लास टूट ही जाते हैं। मतलब आलतू फालतू चीज़ें नहीं ली हैं मैं, कोई भी कोई मेकअप का प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्यूटी पाई चीज़ें ली हैं बस। वैसे इस स्टोर में ना आपको प्लांट्स भी मिल जाते हैं। जो मेरा फिलाडेंड्रन है ना, वो मैंने यहाँ से लिया था, और वो इतना हैप्पी है एंड थ्राइव कर रहा है, वो मुझे देख के इतना मजा आता है ना, इसलिए मुझे लगा कि अगर ऐसा कोई मिलता जुलता और प्लांट मिल जाए तो वो ले लूंगी। पर प्लांट्स अभी आए नहीं है क्योंकि अभी अर्ली है। यार प्लांट्स का ये है कि मैं सोचती हूँ कि ना लो, क्योंकि अगर वेकेशन पे जाना है तो किसी को देना पड़ेगा टेक केयर करने के लिए। जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा उसका बोझ बढ़ेगा, क्योंकि वेकेशन पे तो हमें जाना ही है फ्यूचर में। क्योंकि अगर क्या कहते हैं कि अगर आप 1-2 हफ्ते के वेकेशन पे जाए तो प्लांट्स बेचारे सर्वाइव कर लेते हैं। आप उसको ह्यूमिडिफायर ला जाओ, पानी रख जाओ, कई चीजें कर सकते हैं आप। पर अगर आपको जाना पड़ेगा लाइक मोर देन मंथ के लिए, 1-2 महीने के लिए, फिर नहीं। क्योंकि जब हम इंडिया जाना चाहते हैं तो महीने से ज़्यादा ही आना चाहेंगे, क्योंकि हमें घूमना फिरना भी है, कहीं कुछ देखना चाहते हैं। सो 1 महीने तो कट ही आना राइट। सो ये बड़ी चिंता है मुझे कि प्लांट्स को किसके हवाले किया जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को भी किसी के हवाले करना पड़ेगा ना। ये सोच के मैं कर लेनी है कि प्लांट्स ना ला मैं। मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल भी कोई प्लांट नहीं लिया है, या लिया है 1-2 लगे थे यार। पिछले साल भी यार नर्सरी इतनी खुशनुमा नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ना सारा माहौल टाइट ही। तो इहदे नाल मेरा बचाव हो गया कि मैंने खरीदे। इस साल भी कंट्रोल रखेंगे। सो खुली है गाइस, लेट मी पिक माय दवाइयां। ऑलराइट दोस्तों, इस महान बंदे से दर्शन हो गया इतने, यहाँ पे है, पर मेरा शेड नहीं है। मुझे लगता है मुझे 220 आएगा। यहाँ पे सिर्फ 4 शेड्स हैं इस फाउंडेशन के। लुक नंबर 10, 130, 120, मुझे लगता है 220 मुझ पे थोड़ा ठीक लगेगा। और लुक एट द प्राइस, इन्होंने ज़्यादा ही कुछ करता है, $22। अगर मैं 120 लूँ तो शायद मेरे पे ठीक ही लगे, पर मैं नहीं ले सकती। आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच मनी, नो। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे कोई नहीं है, ना बंदा ना परिंदा, मैं कल्ले मजे मार रही हूँ दुकान से। खाली दुकान में घूमने का ज्यादा मजा आता है, आप आराम से व्लॉग कर सकते हैं। हस्बैंड का फोन आया कि तू कितने है, ज्यादा ही तू घूमती फिरती नहीं भाई आजकल। मैं कि यार मैं प्रिस्क्रिप्शन लाना ही है, और मैंने अपने लिए ये लिया है,
दवाई ऑर्गेनाइजर, क्योंकि मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ, तो मैंने चेतापोल जाना, मैं सोचा कि वीक में एक बार ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी फिर खाती रहूँगी। सो या आई थिंक आई एम डन फ्रॉम हियर, लेट्स गो नाउ। एंड आई थिंक पिज्जा जा शीशा है, आई लव चेकिंग माई सेल्फ आउट ऑलवेज, और इधर से मैं ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ क्योंकि ये वियर्ड है। ओके आई एम गोइंग नाउ। यहाँ पे ज्वेलरी भी है, बाय वन गेट वन 50%। नजर मार लेते हैं हमारा क्या जाता है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर दिया आपने ये ब्लॉग को पसंद किया होगा, अगर किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, मेरे हस्बैंड को फॉलो करें। अगर आपको GTA के अराउंड घर खरीदना है या बेचना है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज करें ताकि आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो पाए। एंड उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाली हूँ। उन्होंने मुझे खास हिदायत दी है कि उनकी फ़ोटो ज़रूर लगाई जाए, क्योंकि वो सोचते हैं, नहीं सोचते नहीं है, मुझे भी लगता है वो क्यूट लग रहे हैं इस पिक्चर में। तो ये है मेरे पति क्यूटी पाई, ओके ही इज़ अ गुड गाय। सो इनको आप मैसेज कर सकते हैं, सारे इनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिम्मत को भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, मुझसे गुस्सा हो जाता है कि तुम डैडी के बारे में बोल देते हो, मेरे बारे में बोलते हो ना, इधर डैडी ज़्यादा जीत जाएगा और मैं पीछे रहूँगा। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ किसी गल तो। सो गाइज उसे भी फॉलो कर लेना। सो मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग्स, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय।